नमस्कार, आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी पॉडकास्ट न्यूज फ्रेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज तारीख है 10 जून और दिन शनिवार। तो चलिए आज की कुछ ताजा खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप के जरिए प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे अपनी योजनाओं का जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। चुनाव से पहले शेष समय में गहलोत सरकार की योजनाओं और घोषणाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए आम लोगों के बीच योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सीएम ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीते दिनों पहले सीएम ने कहा था कि वह सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बल पर फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। सीएम अब पायलट के मुद्दे पर भी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा उन पर लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए कहा कि ये चुनावी साल है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इसी तरह के मुद्दे सामने आते रहेंगे। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, 10-12 साल पहले भी यही मुद्दे भाजपा के नेताओं ने उठाए थे। तब भी यही होटल और यही आरोप लगे थे। उस समय भी चुनावी साल था, 2013 में ब्लैक पेपर जारी किया गया था। देखिए, इस बार भी चुनावी साल है और 10-12 साल पुराने मुद्दे अभी भी उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में लगभग 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है और उससे पहले दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारी पेश करने के लिए मैदान में जुट गई है। मिशन 2023 के साथ ही बीजेपी मिशन 2024 की फिटिंग के लिए भी तैयार है, जिसके तहत लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने लोकसभा सीटों को 4 क्लस्टर में बांटा है और पीएम मोदी की 9 साल की उपलब्धियों के प्रचार की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी है, जिसमें महारानी से लेकर पूनिया तक शामिल है। लोकसभा मिशन के तहत वसुंधरा राज्य को झारखंड की 4 लोकसभा सीटों और सतीश पूनिया को यूपी की 4 लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान के सीकर में एक महिला के साथ अत्याचार का मामला सामने आया है। महिला के साथ मारपीट करने और उसके बाल पकड़कर खींचने और बाल काटने की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि महिला के ससुराल वाले हैं। महिला और उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई है। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घरेलू 200 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद अब प्रदेश की जनता के लिए ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने और थार क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोनों बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा और पर्यटन विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। फिलहाल फ्रेश न्यूज में बस इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के लिए आपसे फिर जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।